दोस्तों, कल मेरी एक पाकिस्तान में दोस्त से बात हो रही थी जो मेरा स्कूल फेलो है, और वो हालात की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और वो चाह रहा था कि वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया मेरे पास आए और मुझसे पूछ रहा था कि मैं किस तरह से यहाँ पे आ सकता हूँ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट था कि वो कह रहा था कि यार, अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा पे पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आऊँ इस एज के अंदर, तो ये बेहतर एक ख्याल होगा या नहीं होगा, और इसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और किस तरह से वो अपनी फैमिली को एक बेहतर यहाँ पर आकर मुस्तकबिल दे सकता है। साथ साथ वो मुझसे एक्सपेंसेस का भी पूछ रहा था। और पिछले दिनों मैं न्यूज़ के अंदर भी देख रहा था कि आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि इस साल तकरीबन 7.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर बाहर के कंट्रीज़ में गए हैं। हालांकि उसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में गए हैं, वहाँ पर जाकर बेचारे लेबर क्लास में जॉब्स करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि कुछ जो बड़े थिंक टैंक्स हैं वो इसके बारे में अपने व्यूज़ दे रहे थे। हालांकि हर बंदे की एक अपनी सोच है, जो वो समझता है चीज़ों को, अंडरस्टैंड करता है, वो उसके उसी तरह से गाइड करता है। और उस पर से ज़्यादातर वो लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं यार, पाकिस्तान छोड़ कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं उनसे थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ इस चीज़ से। तो मैंने सोचा मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यार ये है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपके पास अगर वसाइल हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान में बैठ के ये बात कहते हैं ना कि यार हमें मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहिए, या बाकी लोग चले गए तो हम क्यों जाएं, हमें यहाँ पे मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, या तो वो लोग हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, या फिर उनके बड़े बिजनेसेस हैं, या फिर वो लोग हैं जो जा नहीं सकते, जिनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो वो एंड पे आके ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना। अलबत्ता जो लोग जा सकते हैं वो ज़रूर जाते हैं, और आपके पास भी अगर अपॉर्चुनिटी और वसाइल हैं तो आपको एक दफ़ा इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं यहाँ पर तकरीबन 10 साल पहले स्टूडेंट वीज़ा पे आया था। आकर मैंने अपनी यहाँ पर एजुकेशन कम्प्लीट की, उसके बाद मुझे परमानेंट रेजिडेंसी मिली, कुछ अर्सा मैंने ऊबर वगैरह चलाई, लेकिन उसके बाद मुझे अकाउंटिंग की जॉब मिल गई और मैं अभी अकाउंटेंट हूँ, बल्कि अभी मैं ऑफिस से बाहर निकला हूँ। तो अगर मैं ऊबर चला रहा होता तो मैं उसके अंदर भी अच्छे पैसे कमा रहा होता, इतने अर्न कर रहा होता कि मैं यहाँ पर भी एक अच्छी लाइफ गुजार रहा होता और पाकिस्तान में भी अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा होता। अब यहाँ पर लेट्स सपोज, मैं आपको छोटी सी मिसाल और देता हूँ कि ये सामने जो है ना, ये टोल की कंपनी है और ये ट्रकिंग की कंपनी है, बड़ी फेमस कंपनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जो यहाँ पर ट्रक चलाते हैं ना, वो शायद हम लोगों से भी ज़्यादा अर्न करते हैं, बल्कि शायद नहीं, हकीकतन वो हमसे ज़्यादा अर्न करते हैं। और मैंने भी 2-3 दफ़ा सोचा है इसके बारे में, हालांकि मेरे पास ट्रक का लाइसेंस भी है, जितनी उनकी अर्निंग है माशाल्लाह। और जो हालात हैं यहाँ पर जॉब्स के, और जो स्टेबिलिटी है, वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको इतने ज़्यादा लोग चाहिए कि ये ख़ुद परेशान हो चुके हैं कि हम इतने ज़्यादा वर्क फोर्स कहाँ से लेके आएँ। जॉब्स इतनी हैं यहाँ पे कि ये लोग मजबूर हो चुके हैं कि बाहर से लोगों को यहाँ पर बुलाएं। उसके अंदर स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, उसके अंदर लेबर क्लास के अंदर लोग भी हैं, और अभी रिसेंटली जिस तरह से यहाँ पर लोगों को परमानेंट रेजिडेंसीज मिल रही हैं, वो एक अलग ही बात है। उसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को परमानेंट रेजिडेंसीज इस वक्त बांटी जा रही हैं। हालाँकि आज से 6 महीने पहले जो लोग बेचारे 5-5, 6-6 साल से यहाँ पर रह रहे थे, उनको परमानेंट रेजिडेंसीज नहीं मिल रही थी, लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो जिस तरह कहते हैं ना कि बांटना, वो बांटी है लोगों के अंदर, ताकि लोग यहाँ पर काम करें, यहीं का होके रहें और फिर वो गवर्नमेंट की हेल्प करें। ये हालात हैं। कैनेडा की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उनको 1.5 मिलियन लोग चाहिए अगले 5 सालों में, शायद 2027 या 2028 तक उनको ये वर्कफोर्स वहाँ पर चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने बोला है कि हमें अगले 3 साल में 6 लाख बंदा चाहिए, और वो 6 लाख बंदा जो है वो प्रोफेशनल भी है और उसके अंदर अनप्रोफेशनल लोग भी हैं। तो ये जॉब्स की हालात हैं। स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो ये कंट्रीज़ वैसे ही इतने स्टेबल हैं कि यहाँ पर आपको किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो। अब जो बात आ जाती है ना वापस उसी चीज़ के ऊपर कि क्या पाकिस्तान छोड़ कर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ हम लोगों की है, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आम लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सब उन लोगों की ज़िम्मेदारी थी जिन्होंने इस मुल्क को बिगाड़ा है और जिन्होंने इस मुल्क को अब बैंकरप्सी के
दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। ये सब तो डुअल नेशनल हैं, इनके बच्चे भी डुअल नेशनल हैं। जब भी कोई बात होती है ये मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, इवन अपना इलाज भी बाहर से करवाते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है वो सिर्फ हमारे कंधों पर आ जाती है। तो यार आप इस तरह से मत सोचें, आप अगर आना चाह रहे हैं या आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ। और अगर पेरेंट्स ये चीज़ देख रहे हैं तो मैं आपको ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप अपनी फैमिली में से अपने एक बच्चे को तो ज़रूर बाहर भेजें, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है यार, लोग यहाँ पर आकर कमाते हैं और वो अर्न करके फिर एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तान ही पैसे वापस भेजते हैं, अपनी मोस्टली इन्वेस्टमेंट्स वहीं पे करते हैं। तो वो जो एक बच्चा यहाँ पर आता है ना, वो फिर अपनी पूरी फैमिली को लिफ्ट करता है ऊपर, वो पूरी फैमिली का स्टैंडर्ड जो है लाइफ का वो बेहतर करता है, ना कि अपनी फैमिली का बल्कि रिश्तेदारों का भी करता है। और लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पर आने का सिर्फ एक स्टूडेंट वीज़ा ही तरीका नहीं होता, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और डिग्री है तो आप स्पॉन्सरशिप लेके भी आ सकते हैं। और चले उसके बारे में मैं आपको अपनी अगली एक दो वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि किस किस तरह से आ सकते हैं। बट राइट नाउ दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गो इन ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा, और आप ज़रूर आइए। आप आएंगे तो शायद, और नहीं तो मुल्क के हालात आप जो रेमिटेंसीज हैं भेज के वो उस तरह से ही थोड़े बहुत बेहतर कर सकें, क्योंकि आजकल तो डॉलर्स ही नहीं मिल रहे ना वहाँ पे। और अगर वहाँ पे रहेंगे तो बहुत मुश्किल हालात आपके लिए रहेंगे और आपकी फैमिली के लिए भी रहेंगे। बाकी जो आपके माइंड में है, जो आप समझते हैं इस चीज़ से इख्तलाफ करते हैं या नहीं करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। Till that, thank you so much. Peace.